मेरा नाम त्रुप्ति प्रशांत देसाई और मेरी महिलाओं की संगठना है भूमाता ब्रिगेड। जमीन एरिया में जो महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे खेती में काम करती है, बहुत सारी महिलाओं को कहीं पैसे भी नहीं मिलते, तो इसलिए भूमाता ब्रिगेड की जो रणरंगिनी है वो गांव में जाती है, वहाँ पे काम लगाना हो या इसके लिए भी हमने जो है वो भूमाता ब्रिगेड के माध्यम से शुरुआत की है, जिसकी वजह से महिलाएं जो है वो खुद के पैर पे जो है वो खड़ी होनी चाहिए, कि महिलाओं को एजुकेशन मिलना चाहिए, लड़कियों को आगे लाना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे विलेजेस में हम कॉलेज स्कूल में या फिर कहीं भी छोटी छोटी जगह जाकर जो है वो हम अवेयरनेस के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिससे महिलाएं लड़कियों को जो है वो लड़कियां आगे आनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको जो है वो समानता का अधिकार दिलाना चाहिए। जब शनि शिंगणापुर का आंदोलन शुरू था, तब महिला शनि भगवान को स्पर्श करती है, उसके बाद भगवान को अपवित्र ठहराया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मानसिकता बाजू में होनी चाहिए, इसलिए जो है वो हम आगे आए। और इसका जो उद्देश्य ये था कि समानता होनी चाहिए, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया हुआ है समानता का, और भगवान ने अगर किसी भक्त में भेदभाव नहीं किया है, महिला हो या पुरुष हो, तो ये भगवान के यहाँ पे भेदभाव करने वाले लोग है कौन। शनि शिंगणापुर में जब महिलाएं विरोध कर रही थी तो उनको कहा गया था कि ये महिलाएं अगर चौथरे पर गई तो वहाँ पे शनि का प्रकोप होगा, उनकी साढ़े सती लगेगी। जब हम दरगाह के यहाँ पे गए, वहाँ पे जो कट्टरवादी सोच के जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको जो है वो भड़काया गया था कि ये महिलाएं गलत काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अगर महिलाओं ने विरोध किया तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं दब जाएगा, ये आंदोलन आगे नहीं जाएगा और ये सक्सेस महिलाएं इसमें नहीं होगी। इसलिए कुछ जो मानसिकता, जो पुरुषी मानसिकता थी, उन्होंने ये आगे महिलाओं को किया था, लेकिन जब आंदोलन यशस्वी हुआ तो ये सभी महिलाएं भी अभी जो हाजी अली दरगाह का मज़ार हो या शनि शिंगणापुर का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे आज सम्मान से दर्शन के लिए जाती है, यही हमारे लिए बहुत है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकवर्धिनी शैलसुते।